एक झटके में काला धन, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन सबका समाधान करने के लिए मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि सारी बड़ी करेंसी वापस लो, एक सिंगल ट्रांजेक्शन टैक्स लगाओ, सरकार के खजाने भी भरे रहेंगे और लोगों को आधे मूल्य में गैस मिलेगा, डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट मिलेगा। हिंदुस्तान में महंगाई, जिसको दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री जो है मनमोहन सिंह दूर नहीं कर पाए, वो महंगाई भी खत्म होगी, बेरोजगारी भी खत्म होगी, गरीबी भी खत्म होगी। और क्योंकि जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन होगा वो ट्रेसेबल होगा, तो उससे कोई भी व्यक्ति जो है अपराध करके बच नहीं सकता। ये इतना बड़ा फार्मूला है और हिंदुस्तान में इतना बड़ा पैसा आएगा, जो लाखों करोड़ रुपए जो अभी कंपनियों के पास में भी करीब 9 लाख करोड़ रुपए सरप्लस मनी है, वो सब लगेगा। तो मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां करें कि हिंदुस्तान में करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ये मेरा मिलेगा देखो, जो कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे, तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए, तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। बाबा जी, ये जो योग और आयुर्वेद अभी भी लगातार सवाल है,